ये हरे पोटले में बांधोगे तो सदा उधर कुबेर का निवास स्थान बनेगा। नीम के पत्तों में दुष्ट शक्तियों को, दुष्टता को, दुख को, संकट को भगाने की दिव्य शक्ति अगर किसी में भरी है तो वो नीम की डाली में। किस में है? नीम की डाली में। कोई भी भूत पीछे नजदीक नहीं आ सके, ऐसी शक्ति किस में है? नीम की डाली में। तो नीम की डाली एकदम दुष्ट शक्ति, परेशानियां, मांत्रिक तांत्रिक तकलीफों को दूर करता है। फिटकरी क्या चीज? फिटकरी, फिटकरी नजर दोष, विभिन्न प्रकार के 72 प्रकार के दोषों को निवृत्त करने वाली अगर कोई वस्तु है तो वो है फिटकरी। क्या शक्ति? फिटकरी। और ये वच ले भाई, वच सबको वश में करने वाली शक्ति कौन सी है? वच। देखो इतनी डाली आप पर हो गई ना, ऐसे किसी पर घुमा दिया वही आपके पीछे पीछे आने लगे, फिर क्या हो जाए? पीछे पीछे आने लगे। हाँ, तो इसका नाम क्या है? वच। ये है घर की ओर आकर्षण करने वाली समृद्धि को। किसको? घर की ओर आकर्षित कर। और फिटकरी क्या करती है? सभी प्रकार के नजर दोष, कोई भी ईर्ष्या, जलन, शत्रुओं की परेशानी को मिटाना हो तो फिटकरी का काम। नीम की डाली सभी मंत्र तंत्र टोटका, विभिन्न परेशानियां, दुख दारिद्र उदारी परेशानी कुछ भी हो, नीम की डाली उसमें कारगर है। और एक है भीमसेनी कपूर। क्या है? भीमसेनी। जहां भीमसेनी कपूर होगी वहां लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा। तो एक हरा कपड़ा 6 इंच बाई 6 इंच का शुद्ध हरा कपड़ा लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? हरा कपड़ा गुरु। एक हरा, एकदम डार्क हरा कपड़ा लेना। डार्क हरा कपड़ा, देखो ऐसा हरा, देखा ना है कैसा है हरा, ऐसा हरा कपड़ा लेना 6 इंच बाई 6 इंच का। उसमें एक फिटकरी का डला क्या रखना? एक फिटकरी का डला और एक नीम की डाली। नीम की डाली और नीम की डाली को ऐसी डाली, नीम के पेड़ की डाली होनी चाहिए, उस डाली को उसमें रखना है, फिटकरी रखना। फिर इस बच्च को छाया में सुखा के पाउडर किया होना चाहिए। क्या किया होना? पाउडर किया होना चाहिए। छाया में, धूप में नहीं रखना, छाया में रखना। अच्छा एकदम यू देखो, अभी ये थोड़ा नरम है, देखो छाया में सुखा दोगे तो एकदम कड़क हो जाएगा, फिर उसको पीस देना। एक स्पून पाउडर किसका? बच का। एक स्पून पाउडर, एक फिटकरी का डला, एक नीम की डाली और इतना एक छोटी मोटी जितना भीमसेनी कपूर, इसकी पोटली बना के अगर घर के बाहर मुख्य द्वार के बाहर या घर के अंदर मुख्य द्वार में लगा दोगे तो भीमसेनी कपूर और ये वच अच्छी अच्छी चीजों को आपके जिंदगी में सदा आकर्षित करके लाएगी। और नीम की डाली और फिटकरी तंत्र मंत्र टोटका हो, नजर दोष हो, दरिद्र दोष हो, परेशानी हो, संकट हो, दो चीजें दुख को फिल्टर करती रहेगी ना, दो चीजें सुख को आकर्षित करती रहेगी। ये हरे पोटले में बांधोगे तो सदा उधर कुबेर का निवास स्थान बनेगा। जय हो, जय गुरु। हरा पोटला क्यों करना? हरा किसका रंग है? कुबेर देव। कौन से देव? कुबेर देव। धनदायक बुध देव, दोनों का रंग है, धन देने वाले भगवान बुध और धन के अधिष्ठायक कुबेर का रंग। हरे रंग में ये रख दोगे, अगर कोई दरिद्र दोष से घर परेशान है तो वो मुक्त हो जाएगा, कोई तंत्र मंत्र नजर दोष है तो वो मुक्त हो जाएगा। और वच सदा अच्छी चीजों को वश में करके घर में खींचता रहेगा। कोई फ्लैट में रहते हैं, कोई ऐसे कहते भाई बाहर कैसे टांगे महाराज, सब देखते हैं तो अंदर टांग सकते हैं और अंदर भी आपको लगे कैसे पोटली टांगने में, शायद कोई देखेंगे तो समझेंगे इन्होंने कुछ टोटका किया, तो उसको एक कोई नली में, कोई कलश में ऐसे लगा सकते हैं, देखने में लगे डेकोरेशन, अंदर में हो हमारे जीवन का प्रमोशन, ऐसे काम करना चाहिए। बाहर से कैसे दिखना, अंदर से क्या होता रहना। हाँ, क्योंकि मुख्य दरवाजे के पीछे कुलदेवी का स्थान होता है। कुलदेवी की मैंने एक पोटली बताई है, किसने वो लगाया? हाँ, वो कुलदेवी की पोटली जा लगाई,
वहीं ये कुंडी भी लगा दोगे तो कुल देवी भी आकर्षित होते आती रहेगी ये वच के पाउडर से। वच को क्यों पाउडर करना, ये जो आका वच है इसमें से पाउडर में शक्ति ज़्यादा हो जाती, जब पाउडर हो जाता आकर्षण कई गुना बढ़ जाता। एक बड़ा स्पून भर के वच का पाउडर एक फिटकरी का डला, फिटकरी का पाउडर नहीं करना, भीमसेनी कपूर का पाउडर नहीं करना, हवा में उड़ जाएगा वो सब, फिर वो हवा में टिकता नहीं। भीमसेनी कपूर चूरा करोगे तो धीरे धीरे हवा में गायब हो जाएगा। 6 महीने में एक बार, कितने दिन, 6 महीने में, जब संक्रांति का दक्षिणायन खत्म होके उत्तरायण आता हो उस दिन एक बार लगाना। जून जुलाई में जब उत्तरायण खत्म होके दक्षिणायन आता है तब एक बार, वर्ष में 2 बार ये बराबर बदल दोगे ना, पुराना वाला पानी में फेंक दोगे तो देखोगे कि घर में किसी को बीमारी नहीं आ रही है, नज़र के कारण आने वाली सुस्ती आलस परेशानियां नहीं आ रही है, काम अच्छा चल रहा है, सब अच्छा होता है। मैंने कहा है तो होगा ही होगा। जय हो जय गुरुदेव। हाँ, तो ये पोटली बनाए और जीवन में कल्याण प्राप्त करने वाली पोटली का आज मैंने जो बताया है उपयोग, इसको दक्षिणायन के प्रारंभ में, कब दक्षिणायन के प्रारंभ, कब दक्षिणायन प्रारंभ होने वाला है, अभी बहुत जल्दी ही प्रारंभ होने वाला है, देख लो दक्षिणायन के प्रारंभ में करो या किसी भी अमावस में करके अगले 6 महीने बाद बदल सकते हैं। उसके लिए दक्षिणायन उत्तरायण की भी जरूरत नहीं, आपको लगे कि मैं कहाँ इंतजार करूँ, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है तो किसी भी अमावस्या को कर दें फिर 6 महीने बाद बदल दें। 6 महीने में आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसमें से पावर कम पड़ रहा, क्योंकि धीरे धीरे प्राकृतिक चीज़ों से तरंगे खत्म हो जाते हैं। कितने दिन तक वो तरंगे डालेगी भाई, जितना उसमें शक्ति है। बाद में आपको क्या करना चाहिए, ऐसा ग्रीन कलर लेना चाहिए, ये ग्रीन कलर बिल्कुल पोटली का बनना चाहिए। ग्रीन डोरे से बांधे फिर लटका दें किसी कुंडी में डाल के, कुंडी है सुंदर है कोई मटकी, छोटी मटकी लगा के वहाँ लगा दें, उस मटकी के ऊपर गणेश जी का फोटो ऐसा कुछ हो और लगा दें तो और भी करोड़ गुना आनंद बढ़ जाता है। बाहर से डेकोरेशन अंदर से प्रमोशन। हाँ, कभी नहीं, देखो बाहर से होगा डेकोरेशन अंदर से होगा प्रमोशन, कभी नहीं होगा जीवन में डिप्रेशन। जय हो गुरुदेव। कभी नहीं होगा जीवन में डिप्रेशन, यही कहने का मेरा इंटेंशन है, ये ध्यान रखो, कहने का इंटेंशन यही है कि कभी डिप्रेशन नहीं हो, सदा प्रमोशन हो।